ये है जी मेरा ब्लैक कलर का ड्रेस, बहुत ही प्यारा इसका जो है मैंने सिलाई की है, अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ अपनी सालगिरह में पहनने के लिए। और आज जो है मेरी सालगिरह है, तो हो सकता है मैं आप लोग उसकी वीडियो शेयर करूँ और उसे कहा, क्योंकि बरसात हो रही है और लाइट का हमारे यहाँ सबसे पहले मसला आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने इस जो है शर्ट की सिलाई इस तरीके से की है, पीछे इसको मैंने लॉन्ग रहने दिया है, आगे से मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, इस तरीके से मैं गोलाई से कटाई की और बहुत ही प्यारी इसकी लेस पट्टी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। इसके नीचे जो है मैंने इस तरीके से जो है ये ढाका जिसे कहते हैं आप पता नहीं इसको क्या कहते हैं, वो मैंने सिलाई किया है। बेल बटन टाइप के पहचे हैं लेकिन ऊपर से जो है ये बेल बटन नहीं है, ऊपर से भी मैंने खुला रखा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा इस जो है शर्ट के साथ। और बहुत ही अच्छी जो है इसकी रेटिंग भी, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इसमें काम हुआ, उसी जो कलर की जो है मैंने लेस लगाई। और लेस जो है मुझे इतनी हैरत हो रही है कि मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, बिल्कुल जो है लेस जिस तरीके का काम हुआ उसी से मैचिंग करके ला, शायद मैं भी इस तरीके की जो है नहीं ला सकती। उसको मैंने शर्ट दे दी थी क्योंकि जो है बाज़ार में आप लोगों को पता है कि टाइमिंग है तो लेडीज़ का जाने में थोड़ा मसला होता है, पहले भी मैं गई थी तो अभी छोटे छोटे सामान के लिए फिर मुझे जाना सही नहीं लगा, घर के काम थे, रमज़ान था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है ये लेस पट्टी ला के दी और बहुत ही खूबसूरत ला के दिए, बिल्कुल जिस तरीके की इसमें जो है काम हुआ है उसी तरीके की आप लोग देख सकते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे जो है सालगिरह आप लोग ज़रूर विश कीजिएगा। तो जी ये वीडियो जो पहले मैंने शेयर की इसमें मैं ज़ोरी आप लोगों को कह रही हूँ कि मुझे विश कीजिएगा सालगिरह, जैसे कि हमारी हुकूमत ने हमसे ज़ोरी ईद मनवाई है, तो ज़ोर के बगैर ज़ोर आजमाई तो के बगैर जो है आजकल जो है प्यार किस्मन कोई भी नहीं समझता, जैसे कि हुकूमत ने हमसे ज़ोर ज़ोर जो है ईद मनाई, लेकिन ये होता है कि चांद रात की खुशियाँ जो होती हैं वो हमारी हुकूमत हमसे छीन लेती है। ईद की जितनी खुशी होती है उतनी चांद रात की भी होती है, बच्चियाँ मेहंदी लगाती हैं, खुशियाँ मनाते हैं, चांद रात की तैयारियाँ होती हैं, लेकिन जो है हमारी हुकूमत जो है ना हमें 12 बजे के टाइम बताते हैं कि सुबह ईद और पता नहीं ईद होती भी है या नहीं होती। यहाँ पर जी बहुत प्यारा मौसम हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो थोड़ी सी आवाज़ मेरी पड़ोसन की आएगी वो अपने घर में उसका कसूर नहीं, वो कॉल में बात कर रही है और यहाँ पर बार वीडियो बना रही थी तो उसकी आवाज़ आ गई और बहुत ही आवाज़ मुझे अच्छी लग रही थी, चिरिंद परिंद की हवा की और हल्के के बादल गरज, इसलिए मैंने जो आवाज़ बंद नहीं की, तो उसकी भी थोड़ी सी आवाज़ आ गई होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर बहुत प्यारा मौसम हुआ हुआ है, बहुत ही अच्छा। आप लोगों को ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का दूसरा दिन है या पहला दिन है वो तो अल्लाह ही जानता है, और मेरी तरह जिसके भी दिल में शक है तो ज़रूर बताइएगा क्या आज हो सकता है कि आज ही ईद थी और कल रोज़ा था। और आप लोग देखिए कितना प्यारा मौसम है, जो मैंने गोल घूमकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है इसमें मुझे जी चक्कर भी आ गए थे और मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। और देखिए कितना प्यारा मौसम हुआ है, चाय बनाई है मैंने शाम का टाइम, जिस जिसको चाय पीनी आ जाएँ। और जी शाम को आज जो है मेरी सालगिरह भी है, लेकिन केक वगैरह शायद हम नहीं काट रहे थे बाज़ार वगैरह, अभी बरसात भी हो रही है यहाँ पर, तो मैं अपने हस्बैंड को नहीं भेजूँगी और जी घर में ही बच्चे जो हैं ब्रश वगैरह मंगा लेंगे और हम आपस में वो खा लेंगे। और बस अभी क्या आप ही हमारी इतनी एज हो गई है कि सालगिरह वालगिरह मनाने वाली एज अभी नहीं रही है, कभी कभी शौकिया मना भी लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी चीज़ चाय बन रही है, आप लोगों को पीनी है तो आप लोग आ सकते हैं। अपना ख्याल कीजिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल कीजिएगा, खूब इंजॉय कीजिएगा। और आप लोगों के शहर का मौसम कैसा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे सालगिरह भी विश कीजिएगा। अगर किसको लग रहा है कि जुम्मे के दिन नीति वो भी बताइएगा, ये सब जो अपने ख्याल हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में जो है लिख कर बताइएगा। अपना ख्याल कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।